भारत किस्से कहानियों से भरा देश है। यहाँ अवधारणाएं और गलतफहमी बहुत तेजी से फैलती हैं। आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में तो यह और भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एजेंडा इस तरह से पेश किया जाता है कि मानो वो सची है, पर हकीकत में सच कुछ और ही होता है। यहाँ तक कि किसी ने सच ही कहा है कि इंटरनेट की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 गलत अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो अधिकतर लोगों का यही जवाब होगा, हॉकी। बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है स्कूलों में। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना। आप भी यही सोच रहे होंगे कि हमारा पूरा बचपना इसी गलत फहमी में बीत गया, पर यह सच है। हमारे देश में आधिकारिक रूप से आज तक कोई भी राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में अधिकतर हिंदी का प्रयोग होता है, और शायद यही कारण है कि हम में से अधिकतर लोग इसे राष्ट्रीय भाषा भी मानते हैं, और माने भी क्यों ना, आखिर हमने स्कूल में यही पढ़ा है। पर यह सच है कि आधिकारिक रूप से भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। हमारा देश इतना डाइवर्स है कि हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है। ऑफिशियली भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से हिंदी एक है। सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ इतने अच्छे तरीके से झूठ को पेश किया जाता है कि लोग इसे सच मान ही लेते हैं। इन्हीं झूठों में से एक झूठ जिसे बहुत से लोग गर्व से सच मानते होंगे कि यूनेस्को ने भारत के राष्ट्रगान को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है, और सोशल मीडिया ही क्या, न्यूज़ चैनल पर भी यह दिखाया गया था। पर सच तो ये है कि ऐसा कुछ यूनेस्को ने घोषित नहीं किया। भला यूनेस्को किसी देश की महानता का अंदाज़ा उसके राष्ट्रगान से कैसे लगा सकता है? बचपन से ही हम यह जानते और समझते आए हैं कि हमारा देश एक सेक्युलर देश है। यही कारण है कि सभी धर्मों को हमारे देश में समान अधिकार मिलता है। पर भारत शुरुआत से, यानी जब भारत का संविधान बना, तब उसमें सेक्युलर नाम का कोई शब्द ही नहीं था, यानी कि हमारा देश सेक्युलर नेशन नहीं हुआ करता था। लेकिन सन 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान देश के संविधान में बदलाव किया गया और सेक्युलर शब्द उसमें जोड़ दिया गया। ये वही समय था जब पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। आपने भी कभी ना कभी ये सुना तो जरूर होगा कि नासा, जो कि एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, उसमें 36% भारतीय काम करते हैं। यह खबर बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन भी थी, और यह जानकर हम भारतीय गौरवान्वित भी हुए थे। पर अफसोस की बात तो यह है कि यह एक गलत फहमी है, या यूं कहें कि एक अफवाह ही है। नासा में कुल 18,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिनमें 6% एशियन हैं, तो हमारे भारत के 36% होने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि नासा में भारतीयों की संख्या फिर भी अधिक है, जो कुल 850 से 900 के करीब है, अर्थात नासा का कुल 2-3% हिस्सा। भारत विविधताओं से भरपूर होने की वजह से यहाँ एक ही चीज को हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में भगवान को भी अपनी मान्यताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है। पर कुछ लोग हिंदू धर्म को भ्रमित करने के लिए अक्सर देवी और देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताते हैं। धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई गई है। देव भाषा संस्कृत में कोटि के दो अर्थ होते हैं। कोटि का मतलब प्रकार होता है, और एक अर्थ करोण भी होता है, लेकिन यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार है। ग्रंथों को खंगालने के बाद कुछ 33 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार से हैं, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और इंद्र व प्रजापति को मिलाकर कुल 33 देवता होते हैं। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को भी रखते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा हैं। क्या आपको पता है कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था? सन 1950 में ब्राजील में ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई तो किया, पर हिस्सा नहीं लिया था। कारण यह भी बताया गया था कि भारतीय फुटबॉल टीम नंगे पांव फुटबॉल खेलना चाहती थी, जिसे फीफा ने मंजूरी नहीं दी और भारतीय टीम को बैन कर दिया था। पर सच तो इससे बिल्कुल अलग ही था। दरअसल भारतीय फुटबॉल टीम में एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की काफ़ी कमी थी, जिसकी वजह से खुद भारतीय फुटबॉल टीम ने ट्वीट कर लिया था। अब जरा इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है?
आपको भी यही दिख रहा होगा कि गांधी जी एक फिरंगी के साथ डांस कर रहे हैं, और लगे भी क्यों ना, इस पिक्चर को इसी एजेंडे की तरह पेश जो किया गया था, और हम हमेशा की तरह इसका शिकार हो ही जाते हैं। हालांकि ये पिक्चर में जो दिख रहा है वो 100% सच है, पर इसमें जो गांधी जी दिख रहे हैं वो गांधी जी नहीं, एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट है। दरअसल सन 2012 में सिडनी में चैरिटी फंक्शन के दौरान एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट ने गांधी जी की तरह कपड़े पहने थे। ये आपको इस पिक्चर को ठीक से देखने के बाद पता चल ही जाएगा। उदाहरण के लिए उनके चप्पल, उनके आर्म्स या फिर उनके चश्मे को ही देख लें। गांधी जी आधिकारिक तौर से कभी ऑस्ट्रेलिया गए ही नहीं थे। हमारा रेलवे निश्चित तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय रेल दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाली संस्था है, और हो भी क्यों ना, 15 लाख से अधिक एम्प्लॉई हैं भारतीय रेलवे में। पर 2015 की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिसर्च में यह पाया गया कि भारतीय रेल सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने में 8वें नंबर पर है, तो वहीं पहले नंबर पर अमेरिकी डिफेंस एजेंसी है जिसमें कुछ 32 लाख एम्प्लॉई हैं। महात्मा गांधी की सोच हमेशा से ही अहिंसावादी थी। उनका यही मानना था नफरत को प्यार से जीता जा सकता है। यही कारण है कि उनकी ये लाइन एन आई फॉर एन आई ओनली एंड अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड को आज भी ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि ये कोट्स उनकी ही है। पर सच तो ये है कि इस कोट को गांधी जी द्वारा कहे जाने का कोई भी सबूत या फिर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। पहली बार यह कोट्स गांधी मूवी में बेन किंग्सली द्वारा कहा गया था। एक सच्चा भारतीय नागरिक होने के नाते यह हम सबका फर्ज बनता है कि हम ऐसी गलत फहमियों से दूर रखें खुद को भी और दूसरों को भी। इसीलिए आप इंटरनेट पर बिना जाने और परखें कि वह बात सच है या झूठ, ऐसी कोई भी जानकारी शेयर ना करें। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।